बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ मीठी टिकिया की, जो कि बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी एंड होप यू गोना लाइक इट। इसके लिए आप कोई भी अपना मेजरिंग बोल ले लें, जिस तरह मैंने ये बोल चूज किया था। अब इसी से ही मुझे सब चीजें मेजर करनी है। ये मैंने 2 कप लिया है मैदा, जो कि मैंने इसमें निकाल लिया। उसका हाफ हमें लेना है शक्कर चीनी, उसका हाफ हमें लेना है सूजी, उसका हाफ हमें लेना है मिल्क पाउडर, और उसी के इक्विवेलेंट हमें लेना है कोकोनट पाउडर यानी के खोपरा, और ये है हमारे पास 1 टेबलस्पून तिल। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को मैं इसमें ऐड करूंगी। जब मैंने चीनी पीसी थी तो उस वक्त मैंने इलायची भी इसके साथ ऐड कर ली थी, तो वो इलायची भी इस तरह पिस गई। मुझे एक इलायची नजर आ रही है, मैं निकाल दूंगी, बाकी इलायची पिस गई है। अगर आपके पास इलायची एसेंस है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, इलायची पाउडर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसको चीनी के साथ बनाया है। अब ये मेरे पास 2 to 3 टेबल स्पून घी है, मेल्टेड घी, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने दूध हल्का सा गर्म करने के लिए रख दिया है, इतना लाइक 10 to 20 seconds कि वो नीम गर्म हो जाए, उसमें अब हम इसको गूंद लें। अब ये जो दूध मैंने गर्म किया था ये मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी और इसको गूंदती जाऊंगी। इसको हमें हार्ड गूंदना है, बहुत सॉफ्ट नहीं गूंदना। मैं गूंद के आपको दिखाती हूँ। इसको गूंदने के बाद बटर पेपर लगा कर आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें। अब आधे घंटे के रेस्ट के बाद इसकी शेप इस तरीके से होगा, टेक्सचर ये होना चाहिए। अब मैंने एक पैन में ऑयल गरम करने रख दिया है। स्लैब पर आप अपने ऑयल लगाएं, रोलिंग पिन पे भी ऑयल लगाएं और इसको बेल लें, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, थोड़ा सा थिक। उसकी कटिंग कर लें आप ग्लास या कोई भी कैप के साथ और इसको निकाल कर फ्राई कर लें मीडियम आंच के ऊपर।